नमस्कार, मैं मालविका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन का एक बहुत ही रोचक प्रसंग। जी हाँ, अपने आप को बदलना आसान है, पर समाज में बदलाव लाना बहुत मुश्किल। और यही मुश्किल को किस तरह से कैलाश जी ने आसान कर दिया, आज उसी के बारे में हम जानेंगे। कैलाश जी के बारे में आप सबको मालूम होगा कि वो सत्यार्थी कैसे बने। उन्होंने अपने नाम से शर्मा ये उपनाम हटा दिया और बने कैलाश सत्यार्थी। उनके जीवन पे आर्य समाज का बहुत 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 असर था और वो स्वामी दयानंद को बहुत मानते थे, और इसी के चलते उन्होंने आर्य समाज में जाना शुरू किया। बहुत अच्छा लगता था, सब साथ बैठकर होम हवन सब करते थे, शुद्ध लगता था, सात्विक लगता था। पर कालांतर में कैलाश जी को ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है यहाँ भी। जी हाँ, वही छूट रहा था जो कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी की प्रक्रिया में था। छूट रहे थे वो सब लोग जिनको हम अछूत मानते थे, हरिजन कहते थे, दलित कहते थे। अगर वही हमारे इस समाज में साथ नहीं आए तो वो समाज क्या, बदलाव कैसा। कैलाश जी ने लोगों से बात की, जो बहुत प्रतिष्ठित लोग वहाँ आते थे, उनसे कहा कि बहुत अच्छा लगता है हम सब बैठ करके यहाँ पर ये होम हवन करते हैं, पर यदि इसमें हमारे वो भाई बहन भी आ सके तो और अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम उन हमारे जो निचले तबके के जिनको हम दलित कहते हैं, हरिजन कहते हैं, उन भाई बहनों को हम यहाँ पे बुलाएं। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने आर्य समाज में जाना शुरू किया। वहाँ पर जो गिने चुने लोग आते थे उनके साथ होम हवन इत्यादि करते थे। तब उनके मन में एक विचार आया कि मंदिर में रह करके हम जो यज्ञ करते हैं उससे तो सिर्फ जो वहाँ पर लोग आए हुए हैं उन्हीं को मतलब सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसका प्रभाव उनको पता चलता है, क्यों ना हम मंदिर को हमारे दलित भाई बहनों के घर तक ले जाएं, हरिजनों के यहाँ ले जाएं, वो अछूत जिनको कहते हैं उनके घरों तक ले जाएं, क्योंकि वो तो यहाँ आने में डरते हैं। तो ये विचार उन्होंने अपने साथ के लोगों के सामने रखा। अब सबको लगा क्या है ये, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आना है वो इधर आ जाएं, हमें कोई समस्या नहीं, पर हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं किसी दलित के मोहल्ले में, हम क्यों जाएं किसी हरिजन के घर में। तो कैलाश जी ने कहा कि नहीं, ये तो होना ही था, और आप सब जानते ही हैं कि वो क्रांतिकारी आदमी है, जो विचार आ गया उसे तो करना ही है। तो उन्होंने जा करके दलितों के घर में यज्ञ करना शुरू किया, और आप यकीन मानिए कि वो लोग जिनके घर में न जाने कितने कितने सालों से कोई इस तरह का अनुष्ठान नहीं हुआ था, वो किस कदर खुश हुए होंगे। उनके अंदर अपने आप के प्रति जो भावना जागी होगी कि नहीं, हमारा भी अस्तित्व है, हम भी यहाँ हैं, हम एक जैसे हैं। तो देखिए किस तरह से एक छोटी सी पहल थी, सिर्फ किसी के घर जाके आपको एक पूजा करनी थी, पूजा भी नहीं, हवन करना था, कुंड है उसमें आहुति डलवाई, आपने भी डाली, सबने डाली, और सारा जो वातावरण है वो जिस तरह से सुगंधित हो गया, प्रेममय हो गया, आनंद वाला हो गया, तो उसने एक नव जीवन का संचार किया उन लोगों में
जो अपने आप को इस समाज से कटा हुआ समझते थे। और जब उन्होंने इस तरह से, कैलाश जी ने इस तरह के काम करना शुरू किए, तो लोगों को बुरा तो लगा और उन्होंने इस चीज़ को बहुत पसंद नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। तो उससे सत्यार्थी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने एक अलग आर्य समाज की संगठना की, उसका गठन किया कि ये आर्य समाज है। सब चीज़ें, क्योंकि दयानंद सरस्वती को वो मानते थे, तो उनकी तरह से रचना हुई। और वहाँ सब ये हमारे जो भाई बहन हैं, हरिजन, दलित, अछूत जिन्हें आप कहते हैं, वो सब वहाँ आकर के अनुष्ठानों में अपने अपना सहयोग देते थे। तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, बदलाव, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप को बदलना आसान है, बहुत आसान है खुद को बदल देना, पर समाज को बदलना बहुत मुश्किल है। और जब आप समाज को बदलते हैं बिना किसी परेशानी के, अपने आप से, खुद से एक इनिशिएटिव ले करके सबको जोड़ते हैं, और वो एक जब बहुत खूबसूरत सा कुछ निकल के आता है जिसमें सब एक है, जिसमें मानवता का, मानवता की सुगंध है, वो बनाता है कैलाश सत्यार्थी को। और आगे भी हम इस तरह के और बहुत सारे प्रसंग सुनेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।